Welcome back, audience. Mr. Bashani, so the last question of today's episode is going to be by Wiki Jane. He also has a comment and then he goes into a question that he might have. So I'm going to read what he says. He says, what is happening in Kashmir is a matter of concern for all of us. We should aggressively plan a campaign to isolate the Pakistan government. We have to identify and find concrete proof of Pakistani establishment's involvement in terror activities. Then we might be able to solve the Kashmir issue peacefully and in a peaceful environment through a dialogue. So that's, I think that's a suggestion or a comment that he's making. So what do you think about this comment of Wiki Jane? देखें ये कमेंट जो है थैंक यू वेरी मच इसके लिए इन्होंने ये कहा कि हमें ये प्रूफ करना चाहिए कि पाकिस्तान नेक्सस विद टेररिज्म जी जिसका मैं समझता हूँ कि देर इज़ नो नीड टू प्रूव इट राइट बिकॉज हमने टाइम्स एंड अगेन ये देखा है कि जब पाकिस्तान पे खुद पाकिस्तान के अंदर से ये कन्फर्म किया गया कि देर आर सम टेररिस्ट sitting in Pakistan and wo terrorists join they have nexus with the military establishment ya civil establishment ya yahan ki jo bhi law enforcement agency hai uska aur isme baaz cheeze aisi hain jis pe aap beshak 100 dafa tardeed kare ya usko prove kare it doesn't make difference let me give you an example okay abhi recently Pakistan ka ek non terrorist jo hai maulana अज़र महसूद महसूद अज़र जो है ही इज़ ए नॉन टेररिस्ट ओके उस पर इंडिया की तरफ से टेररिज्म के चार्जेस हैं कि वो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा है इंडिया ने ऑफिशियली उसको पाकिस्तान से जो है वो मांगा है कि ही इज़ वांटेड सो ही शुड बी गिवन टू अस उसके बाद इंडिया ने एक इंटरनेशनल कंपेन चलाई है अगेंस्ट हिम बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट उसको शेल्टर मिला हुआ है पाकिस्तान में एंड वो वहाँ पे ओपनली एंड फ्रीली जो है वो कंस्पिरेसीज हेच कर रहा है और प्लाट कर रहा है टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया तो यूनाइटेड नेशन में ये मसला चला गया जी उसूलन इफ पाकिस्तान इज अगेंस्ट टेररिज्म देन पाकिस्तान हैज नथिंग टू से अगेंस्ट दिस इशू जी उनको ओपनली ये कह देना चाहिए था यूनाइटेड नेशन में कि भाई ये हमारा सिटीजन है और बगैर किसी प्रूफ के हम आपको इसके किसी के हवाले नहीं कर सकते बिकॉज वी आर आंसरेबल टू अवर सिटीजंस राइट लेकिन आप ये प्रूफ करें कि ये बंदा वाकई टेररिस्ट है और उसकी ये चीज़ें जी ठीक है जिसके जवाब में जाहिर है उनको प्रूफ मिले जब यूनाइटेड नेशन में यू कैन नॉट रेज एन इशू एंड आस्क ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री टेररिस्ट बगैर किसी प्रूफ के जाहिर है वहाँ भी तो लोग बैठे बात करते हैं जी तो ये प्रोसेस इतना आगे गया कि इस पे जाके चाइना ने वीटो किया कि मौलाना महसूद अज़हर कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू इंडिया अब जब चाइना ने वीटो किया आपको पता है वीटो का इख्तियार 5 कंट्रीज को है दुनिया में और ये बड़ी पावर है दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग टू वीटो अगेंस्ट समथिंग तो आप अगर ये कहेंगे पाकिस्तान में टेररिस्टों को कोई तहफ़ हासिल नहीं पाकिस्तान फाट इज वार ऑल द वे टू द एंड और उसने जाके वीटो कराया यूनाइटेड नेशन में और वो कहते हैं नो दे आर नॉट हेल्पिंग टेररिस्ट व्हाट डू यू मीन बाय दिस इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए कि भाई एक आदमी जो है वो ओपनली प्रीचिंग टेररिज्म की करता है जहाद जिसको वो कहता है उसके तल्लुकात उसके नेक्सस जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ओपन है ही इज सिटिंग इन ए कंट्री इन फुल शेल्टर और फिर उसकी जो मुखालफ कंट्री है उसको यूनाइटेड नेशन में ले जाती है तो वहां जाके वो कंट्री उसको ऑल द वे उसको जो है वो डिफेंड करती है ये चाइना की हिस्ट्री का इंतहाई जो है आप यूं कह लें कि बचकाना किस्म की हरकत है एंड इज सच ए बिग ब्लंडर कि आप एक इस्लामिक फंडामेंटल टेररिस्ट को जो है वो यूनाइटेड नेशन में वीटो करके जनाब उसको मासूम करार दे देते हैं अब इससे क्या निकला मसलन ये जो दुनिया में ड्रामा हो रहा है इंटरनेशनली मुल्कों का और यूनाइटेड नेशन में वो कोई किसी का कुछ बिगाड़ सका कि एक टेररिस्ट के हक में इतनी बड़ी कंपेन चली है और फाइनली उसको जनाब जो है वो रोक दिया गया वीटो करके तो अगर ये हम प्रूफ भी कर देंगे कि पाकिस्तान जो है वो उसका टेररिस्टों के साथ वो है तो आइसोलेट आप कर लेंगे उनको लेकिन आइसोलेट आप करेंगे उनको दुनिया के महजब मुल्कों से जो चीज़ों को प्रिंसिपल की बुनियाद पर देखते हैं जी। तो
तो अब दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं चाइना की तरह जिनका ना कोई ह्यूमन राइट्स का ही रिस्पेक्ट है, ना उनको राइट और रॉन्ग की रिस्पेक्ट है, कि वो अपने मफादात के लिए एक इस तरह के बंदे को जो है खुद वो अपने मुल्क के अंदर जो आम इस्लामिक बंदा है जो नमाज रोज़ा करता है बेचारा उसको उस पर पाबंदी लगा रहे हैं। अभी उन्होंने बच्चों पर पाबंदी लगा दी कि आप उनको जो है वो इस्लाम के बारे में ये ना सिखाएं और वो ना सिखाएं अपने एक हिस्से में। तो दूसरे मुल्क में वो एक नाउन किस्म के दहशत गर्द को वीटो के जरिए जो है वो तहफ़ दे रहे हैं। तो जो मजहब दुनिया है वो तो उसका रोल भी कोई मतलब है उसमें नहीं है, कोई प्रिंसिपल रोल। तो इसमें अगर आज इनको चाइना के वीटो ने बचा लिया, कल रशिया का वीटो इनकी हक में आ जाएगा, परसों अमेरिका का आ जाएगा, तो दिस इज नथिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जो है इस मसले का एक प्रोग्रेसिव हल तलाश कर रहे हैं। इसका प्रोग्रेसिव हल ये नहीं है कि आप पाकिस्तान को एक्सपोज करके आइसोलेट करके मार के ख़त्म कर दें, इट वुडंट हैपन। पाकिस्तान जो है वो उस वो इंट्रेंच हुआ हुआ है एक ऐसी उसके अंदर के उसके लिए ये एक बहुत ही लॉन्ग एंड डिस्ट्रक्टिव किस्म के प्रोसेस की ज़रूरत है जी। और अल्टीमेटली आप ये जो जितने एक्शन होते हैं उसमें देखना ये होता है कि नफ़ा नुकसान किसका है, यानी ये रास्ता जो है इट विल टेक यू टू द वार, राइट। तो दो मुल्कों के दरमियान वार आप करेंगे तो उसमें आप कितने हज़ार लाखों करोड़ों लोगों को मार देंगे, उनका मुस्तकबिल तबाह कर देंगे, मुल्क की इकानमी तबाह कर देंगे। तो उसके बाद आप किसी एक मुल्क को आइसोलेट भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, दे मे कम बैक आफ्टर सम ईयर्स। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसका हल ये नहीं है, इसका हल ये है कि आप एक पीसफुल प्रोग्रेसिव सोल्यूशन लेके आए जी, जो इन प्रिंसिपल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के अवाम के मफादात में हो, जिसमें के किसी को नीचा दिखाने या उसको एलिमिनेट करने या उसको आइसोलेट करने के बजाय उसको ऑन बोर्ड किया जाए। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बहुत हद तक जुड़ा हुआ है जी, और स्पेशली फॉर पाकिस्तान जिस तरीके से अब इंडिया तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से इंडिया जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स पे जो है वो एक पावरफुल शक्ल इख्तियार कर रहा है, जिस तरीके से वो मुस्तकबल की इकोनॉमिक सेटअप के अंदर एक पावरफुल सेंट्रल स्टेज हासिल कर रहा है, उसमें पाकिस्तान का मफाद ये है कि वो उनके साथ जुड़ के चले जी, ताकि जो फ्रूट्स ऑफ दिस डिवेलपमेंट है उसके अंदर जो है उसको अपना शेयर मिले, अपने साइज अपने रकबे अपनी आबादी के मुताबिक जी। और मैं ये समझता हूँ कि ये सोच पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों की है। अब पाकिस्तान में हर आदमी फंडामेंटलिस्ट नहीं है या हर आदमी टेररिस्ट नहीं है, देर आर पीपल दे आर सैन दे थिंक स्ट्रेट एंड दे वांट पीस विद इंडिया, दे हैव नथिंग अगेंस्ट इंडिया, तो उनको भी आप मालूज खातर रखें। तो इस तरीके से जो प्रोसेस चलेगा वो अल्टीमेटली एक पीसफुल प्रोग्रेसिव प्रोसेस होगा जिसके अंदर जंग और डिस्ट्रक्शन के बगैर ये जो सिचुएशन है इस पर काबू पाया जा सकता है जी। ओके, थैंक यू मिस पशानी। Our other question is from Mr. Deepak Kumar. I will quickly read this and then we'll go over it. Yeah. So he says, thank you, Mr. Bashani. Very nice as usual. Waited for a long time for this episode. You firmly replied that you have no sin military issue, which is very honest of you. Which is? Very honest. No, you have no say to military. Yeah, yeah, okay. Sorry, yes. Yeah. You have no sort of military issue, which is very honest. Mm-hmm. My question is, what was Mushafar Vajpayee? Musharraf Vajpayee's solution to Kashmir issue? Why can it not be applied? इस पे जरा थोड़ी सी बात कर लें। जी। ये अभी हमने बात की थी इस पे। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ये वही बात कर रहे हैं। जी। के मुशर्रफ वाजपेयी जो फार्मूला था, ये क्यों नहीं अप्लाई हुआ? हाँ जी। हाँ जी, ये कह रहे हैं। ठीक है ना, अभी चूंकि हमने ताज़ा ताज़ा इस पे बात की है और अगर उसको कंक्लूड करें, उसकी वजह मैं ये आपको बताता हूँ कि वो देखें, पहली बात ये है कि ये अब जो है दोनों मुशर्रफ और वाजपेयी के चले जाने के बाद जो उनके उस वक्त के लोग उनके साथ इस मसले पे काम कर रहे थे ये उन्होंने एडमिट किया जी कि ये मसला हल हो चुका था जी, ये सिर्फ इट वाज क्वेश्चन ऑफ टाइम जी कि इसको कब और कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन वो उस प्रोसेस में एक तो पाकिस्तान में मुशर्रफ के खिलाफ जो है वो एजिटेशन शुरू हो गया जिसकी वजह से उसकी अल्टीमेटली उसको हुकूमत ही छोड़ के भागना पड़ा जी।
हिंदुस्तान के अंदर भी इलेक्शन शुरू हो गए और हिंदुस्तान में पॉलिटिशियन जो हैं वो इलेक्शंस में जो है ना वो मोस्टली हाकिश जो है वो पोस्चर इख्तियार करते हैं दूसरे मुल्कों के खिलाफ जी, ताकि उनके वोट बैंक में इजाफा हो। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो साइकिल ऑफ एक्सट्रीमिज्म है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, इसका कोई एक चेहरा नहीं है, इसके बहुत चेहरे हैं। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से, ये पॉलिटिशियंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी रूलिंग एलीट को भी, आपकी मिलिटरीज को भी जी, और ये इलेक्शन के अंदर अपनी मर्जी के नतज लाने के लिए जो मुल्कों के अंदर, दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान इंडिया में जो इस तरह की खौफनाक जो है वो माहौल पैदा कर देते हैं, टेंशन का माहौल, जिसकी वजह से ये जो गवर्नमेंट्स हैं ये अंडर प्रेशर हो जाती हैं जी, और अंडर प्रेशर होके वो वही ज़बान बोलना शुरू हो जाती हैं जो आपके एक्सट्रीमिस्टों की ज़बान है, ताकि उनका वोट बैंक जो है वो बरकरार रहे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये हल नहीं है, ये एक साइकिल है, ये चलता रहेगा और जाहिर है प्रोसेस में जाके मुमकिन है 150 साल में ही ख़त्म हो जाए, लेकिन इट वुड बी ए ग्रेट लॉस फॉर एटलीस्ट टू जनरेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कि वो इस तरह की हेट और वार मॉन्गरिंग और जंग की टेंशन और इस तरह की सिचुएशन में जो है वो जिंदा रहने पे मजबूर हों, उनके वसाइल इतने बुरे तरीके से खर्च हों, और अल्टीमेटली फिर जाके चीज़ जो है वो बहरहाल पीस ही है। परफेक्ट, थैंक यू मिस्टर बशानी।